दोस्तों, इन पांच सपनों को हमेशा गुप्त रखना, कभी किसी को बताने की भूल मत करना। अब आपके अमीर बनने के दिन करीब हैं। ये पांच सपने हमेशा आपको राज रखना है अगर बनना है धनवान। दोस्तों, हम सभी लोग कई तरह के अलग अलग सपने देखते हैं। सपने हमारे जीवन वास्तविकता से जुड़े होते हैं। आपको बता दें, रात में हमें अजीबोगरीब भयानक कई डरावने सपने आते हैं जिसका अंदाजा भी नहीं होता। सपनों की दुनिया एक खूबसूरत दुनिया मानी जाती है और भयानक भी। और इसी के साथ ही कई सपने ऐसे हैं जिनके बारे में हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। इन पांच सपनों को भूलकर भी किसी के साथ शेयर गलती से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। करोड़पति बनने से पहले ही टूट जाते हैं सपने। कभी किसी को ये पांच सपने मत बताना, हमेशा आपको गुप्त रखना है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, सपनों में भगवान को देखना। हमने अक्सर देखा है कि कई लोग सपनों में भगवान को देखते हैं और वो इन गुप्त सपनों को सभी में आग की तरह फैला देते हैं, जो कि आपके लिए अशुभ हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार दिव्य शक्तियां उसी के सपनों में और सामने आती हैं जो ईश्वर का प्रिय होता है, जिसका दिल कोमल हो, जो धनवान बनने वाला हो। दिव्य शक्तियां जब आपके सपनों में आ जाए तो अगली बार आपको इन सपनों को हमेशा गुप्त रखना है। कभी किसी के साथ गलती से भी शेयर मत करना, नहीं तो परिणाम उल्टा हो सकता है, क्योंकि ये संकेत अमीर बनने की है। भगवान आपके सपनों में इसीलिए आया है क्योंकि वो आपको बहुत ही खुश देखना चाहता है, क्योंकि आप एक नेक दिल इंसान हैं। वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, इसीलिए उसका आदर करें। दोस्तों, नंबर 2, सपने में तीर्थ स्थल देखना। जब कोई इंसान अपने सपनों में तीर्थ स्थल को देख लेता है तो वो इंसान बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा से घिरा होता है, और ऐसे सपने हर किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। सपनों में तीर्थ स्थल देखना आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की ओर इशारा करता है। अब आपके धनी होने के दिन करीब हैं। दोस्तों, नंबर 3, सपनों में हरे भरे खेत बा हरियाली। अगर आपके सपनों में हरे भरे खेत, हरियाली, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं तो समझ जाइए आपको व्यापार या नौकरी में तरक्की होने वाली है। कहीं से घर में ढेर सारी खुशियां आने की ओर संकेत है। ऐसे सपने बताते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न है, मिलते हैं कई शुभ समाचार। ये सपने हमेशा गुप्त रखें। दोस्तों, नंबर 4, गंगा की बहती हुई धारा। जब भी ऐसे सपने आते हैं तब आपको बहुत खुश होना चाहिए। ऐसे में आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में खुशियां आने वाली हैं, और ऐसे में अपने सपनों वाली बात किसी को बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए। ये सपने आपके पाप का विनाश करते हैं, साथ ही साथ आप एक पवित्र व्यक्ति हैं, आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, नंबर 5, सपनों में माता पिता। सपनों में अगर आपके माता पिता आपको जल पिलाते हुए दिखाई देते हैं तो समझ जाइए अब आप अवश्य ही कामयाब होने वाले हैं। साक्षात माता पिता का सपनों में आना ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है। ऐसा व्यक्ति हर हाल में कामयाब होता है। और दोस्तों, वहीं ऊंचे ऊंचे पर्वतों से बहता हुआ जल अगर आप अपने सपनों में उसको पीते हुए देख लेते हैं तो यकीनन आपका अमीर बनना निश्चित है, जो कि ये सपने कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। और वहीं जब किसी बच्चे या बड़े व्यक्ति के सपनों में महालक्ष्मी आ जाती है तो आपको खामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपके बुरे दिन गए। ऐसे में आप कभी भी किसी भी दिन धनवान बन सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये गुप्त सपने कभी किसी के साथ शेयर ना करें, इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों, कुछ खास लोगों के सपनों में ही आती है महालक्ष्मी। शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति पर लक्ष्मी की कृपा हो जाए वो राजा बन जाता है। अगर आप चाहते हैं महालक्ष्मी आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए अपना वास बना ले और आप महालक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें, महालक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है। जय माता लक्ष्मी।